आज हम बात करेंगे मैस्टाइटिस के बारे में, यानी ब्रेस्ट इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यूज। इन्फ्लेमेशन हो जाता है यानी सूजन आ सकती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रेस्ट जो होगा थोड़ा सा बल्की होगा एंड थोड़ा सा पेन होगा उसमें। क्यों होता है दोस्तों, इन्फेक्शन क्यों लगता है, इसी के बारे में आज डिटेल में हम जानेंगे। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर संजीव सिंह, आप देख रहे हो हेल्थ केयर एंड होम रेमेडीज, जहां आपको मिलेंगी हेल्थ केयर एंड होम रेमेडीज की पूरी जानकारी। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। डॉक्टर संजीव सिंह, हियर यू विल बी गेटिंग कंप्लीट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन, हेल्थ केयर एंड होम रेमेडीज। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो यू नेवर हैव टू गो एनीवेयर एल्स एवर अगेन। थैंक यू। हम बात कर रहे थे क्यों लगता है, इन्फेक्शन क्यों होता है। सबसे ज़्यादा ये उनमें कॉमन है जो माँ हुमन हुआ ब्रेस्ट फीडिंग, जो माँ बच्चों को दूध पिलाती है, उनमें ये इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन ज़्यादातर देखा गया है। कैसे होता है, बिकॉज ऑफ जो बच्चे के मुंह से जो बैक्टीरिया वगैरह एंटर करता है थ्रू मिल्क डक्ट, निम्पल्स के आगे जो होल्स होते हैं उसमें से बैक्टीरिया एंटर करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रेस्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें सूजन आती है, इन्फेक्शन होता है। या फिर बच्चा कभी कभी दूध पी रहा है तो उसने बाइट कर लिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, एंड उसके वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, यानी सूजन आ सकती है ब्रेस्ट में और इन्फेक्शन बढ़ सकता है। या फिर थर्ड हम बात करेंगे क्रैक्ड निप्पल्स, निप्पल्स में अगर क्रैक्ड होगा तो तभी भी बिकॉज ऑफ दैट उसके वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों सिम्टम्स की तरफ बढ़ें तो सिम्टम्स में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ ठंडी लग के बुखार आ सकता है। देन ब्रेस्ट का जो साइज़ होगा थोड़ा हैवीनेस होगा, एक तरह का बल्की लुक होगा, देन थोड़ा सा स्वेलिंग भी उसमें दिख सकता है, रेडनेस हो सकता है, पेन हो सकता है, एंड ज़रा भी आप हाथ वगैरह आप लगाओगे तो डेफिनेटली आपको तुरंत आपको पेन महसूस होगा। ये सब सिम्टम्स दिख सकते हैं दोस्तों। हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या ले सकते हो, अगर कुछ भी ब्रेस्ट इन्फेक्शन हुआ हो या फिर इन्फ्लेमेशन हुआ हो बिकॉज ऑफ जैसा मैंने चार रीजंस आपको बताए, तो क्या क्या आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। डायरेक्टली हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे तो मेडिटेशन की तरफ क्या क्या ट्रीटमेंट आ सकते हैं, 15 डेज का आप कोई भी एंटीबायोटिक्स ले सकते हो, एंड दर्द कम होने के लिए आप आइबुप्रोफेन यूज़ कर सकते हो, साथ में कोई एंटीबायोटिक्स जैसे सिफिक्सिन, या फिर अगर सूजन ज़्यादा हो, इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ हो। कभी कभी सिम्टम्स ये भी देखे गए हैं कि जो जगह होती है थोड़ी सी वार्म होती है, थोड़ी सी गर्म होती है, और कभी कभी निप्पल से डिस्चार्जेस भी होते हैं, तो इन सब के लिए आप एमोक्सिसिलिन प्लस क्लैमम का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज हल्का फुल्का सूजन है, दर्द हो रहा है, तो आप कोई भी सिफिक्सिन वगैरह एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हो, एंड सूजन एंड दर्द कम होने के लिए आप कोई भी पेन किलर या फिर आइबुप्रोफेन यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। देन होम रेमेडीज़ के अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। अगर दोस्तों होम रेमेडीज़ की बात करें तो आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे अपने ब्रेस्ट का केयर कर सकते हो। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइट ब्रास वगैरह नहीं यूज़ करना है, हल्का फुल्का ढीला रखना है, ज़्यादा टाइट यूज़ नहीं करना है। देन सेकेंड, केमिकली जो सोप्स वगैरह होते हैं उससे अवॉइड करना है, निप्पल्स वगैरह को क्लीन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ऑलरेडी निप्पल्स में सेल्फ क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग एबिलिटी होती है, ऑलरेडी अपने आप को क्लीन हो जाएगा एंड उसमें लुब्रिकेशन भी अपने आप मिलेगा, तो आपको उसको क्लीन वगैरह नहीं करना है। देन मसाज करना है, अगर लंप वगैरह दिखाई दे, कुछ ऐसे गांठ वगैरह आपको महसूस हो तो हल्का फुल्का आप मसाज कर सकते हो, आप ये होम रेमेडीज अप्लाई कर सकते हो, डेफिनेटली इन सब से भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों आज हमने बात कर ली ब्रेस्ट इन्फेक्शन की, देन इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, मैस्टाइटिस क्या होता है। इस वीडियो से कुछ भी आपको डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं क्या दिक्कत है, किस पॉइंट पर आपको कन्फ्यूजन है, कहाँ नहीं समझ में आया, डेफिनेटली उस पॉइंट पर फोकस करेंगे, बात करेंगे डिटेल में, और डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट का आंसर मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, वंस अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।